चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर उत्तराखंड से हमें मिल रही है, जहां पर अशासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। रोक लगा दी गई है, शिक्षा सचिव ने जो है रोक लगाने का फैसला यहां पर लिया है। वहीं टिहरी नैनीताल सहित भी अन्य जिलों में भी रोक लगाने का फैसला यहाँ पर किया गया है। और इसके लिए आगे जिस प्रकार से भर्ती घोटाला मामला है, इस मामले को लेकर समिति गठन किया गया है समिति का, और समिति जो गठित समिति है वो आगे इस मामले में अब जांच भी करेगी। समिति नया विकल्प भी तलाश कर रही है। गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही थी और इन शिकायतों के बाद ही विभाग ने फैसला लिया है, और ये फैसला लिया गया है अशासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी गई है। टिहरी नैनीताल सहित कुछ अन्य जिले हैं जहां पर शिक्षक भर्ती में रोक लगाई गई है। अब जिस प्रकार से विभाग ने फैसला लिया है, इसके बाद लिखित आदेश भी जारी हुआ। सोमवार को लिखित आदेश जारी करने की बात भी सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश जी, अशासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई गई है, हालांकि काफी दिनों से मामला चल रहा है, लेकिन अब इस मामले में आदेश जारी करने की बात भी सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट? लगातार गड़बड़ी की शिकायतें यहाँ पे लगातार भर्ती घोटाले में चल रही थी, जिसको लेके अब बाकायदा जो शिक्षा विभाग है वो अलर्ट मोड पे आ गया है, और उन्होंने बाकायदा शिक्षा सचिव ने जो है इस पे अभी रोक लगा दी है। जो शासकीय स्कूल है उस पर जो है यहाँ पर अभी देखा जाए तो टिहरी और नैनीताल के जिलों में ये भर्ती जो प्रक्रिया है उस पे अभी विराम लगा दिया गया। इसके लिए बाकायदा जो है लिखित आदेश वो सोमवार को जारी किए जाएंगे, और उनका कहना है कि अभी इसके लिए बाकायदा जिस तरीके से ये जांच कमेटी बैठा दी गई है कि जो शिक्षक घोटाला चल रहा है वो कौन लोग इसमें संलिप्त है, और उसके बाद अभी नए विकल्प की अगर जो बात है वो नए विकल्प भी जो है इसके लिए तलाशे जा रहे हैं। अब टिहरी नैनीताल के अलावा अन्य कुछ जिले हैं जहां पर भी अशासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई गई, कौन कौन से जिले? और आगे जिस प्रकार से अगर बात की जाए कि समिति नया विकल्प तलाश रही है, तो क्या इस बारे में कोई जानकारी कि आगे इस मामले में क्या कुछ हो सकता है, क्या नया विकल्प निकल कर सामने आ सकता है? देखिए पूनम, यहाँ पे अगर बात करें घोटाले की, लगातार जिस तरीके से यहाँ पे भर्ती का प्रकरण चल रहे हैं, लगातार जो है इस पे राजनीति भी गरमा रखी है। कई बात या बात हो चुकी है कि बैकडोर जो भर्ती होती है अपने अपने चेहरों को यहाँ पे दी जाती है, गिवन एंड टेक का मामला चला, ये तमाम चीजों को लेकर सरकार अब अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। उनका कहीं भी कोताही बरतने की मूड में यहाँ पे सरकार दिखती भी नहीं है फिलहाल। और जो शिक्षा सचिव है उन्होंने बाकायदा जो है खुलेआम कहा है कि ये जो भर्ती घोटाला है और अगर इस पर गड़बड़ी है जो भी आदमी संलिप्त होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस बात का जो है मुख्यमंत्री ने खुद भी कहा है कि जो कोई भी आदमी हो जो इस संलिप्तता पाया जाएगा भ्रष्टाचार में उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जिस तरीके से अगर बात करें भर्ती घोटाले पर रोक की, तो क्योंकि यहाँ पे जो है शिक्षकों की कमी लगातार चल रही है, खास करके अगर पहाड़ों की बात करें, पहाड़ों के शिक्षकों की जो है लगातार कमी देखने को मिल रही है, इसी के चलते जो है ये भर्ती की जा रही थी, परंतु जिसमें घोटाले की गड़बड़ी की बात आई इस पे विराम लगाया। अब जो सरकार है वो नए विकल्प की यहाँ पे तलाश कर रही है कि जिस तरीके से जो है परीक्षा के माध्यम से किया जाए या साक्षात्कार के माध्यम से किया, ये तमाम चीजों का विकल्प अभी जो है यहाँ पे जरूर बात की जाएगी। जी पुनः जी शुक्रिया अवनीश जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल उत्तराखंड से ये खबर आपको बता रहे थे, जहां पर अशासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने का फैसला यहां पर लिया गया है। हालांकि जिस प्रकार की लगातार शिकायतें सामने आई उसके बाद ये फैसला लिया गया, और अब नया विकल्प भी तलाशा जा रहा है कि आखिर भर्ती घोटाले के बाद समिति जो है किस प्रकार से फैसला लेती, ये भी देखने वाली बात होगी क्या वो नया विकल्प सामने निकल कर आता है।